अश्विन गोयल जी 116 सर 11-2 पे शुरू हुआ, 11-2 पे शुरू हुआ था, 11-2 पे शुरू हुआ, 11-2 पे शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके बाद शुरू हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, राजीव गांधी खेल परिसर अम्बाला शहर को नवीनीकरण करते हुए एक नया स्विमिंग पूल लगभग 4,41,00,000 रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना भी चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। ये 12 एकड़ का लगभग ऐसा परिसर है जहां पर सवेरे और शाम को लगभग हजारों बच्चे जो हैं रोजाना स्पोर्ट्स के नाते वहां प्रैक्टिस करने आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाते अभी वहां पर भारी कमियां हैं। मैंने जैसा मंत्री जी ने रिप्लाई में बताया कि स्विमिंग पूल वहां पर बन रहा है, स्विमिंग पूल का काम भी कुछ समय से वहां रुका हुआ है, और मैंने बार बार निवेदन जो है सरकार के आगे रखा है सर कि एक हॉकी का टर्फ, क्योंकि वहां बहुत भारी मांग है, और जो शाहबाद के अंदर टर्फ लगा है वो उतना प्रेशर झेल नहीं पा रहा। शाहबाद की हमारी जो बच्चियां हैं वो जिस प्रकार से भारतीय हॉकी टीम के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं, और उसको उनसे इंस्पायर होके अम्बाड़ा के भी बहुत से बच्चे जो हैं हॉकी के खेल को जो है अभी प्रमुखता से खेल रहे हैं। और दूसरा, एक सिंथेटिक ट्रैक की व्यवस्था उसी ग्राउंड के अंदर, और वो बिल्कुल फिजिबल है सर, वहाँ जो उसकी जगह है वो हॉकी टर्फ के लिए और सिंथेटिक ट्रैक के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से निवेदन है कि इन दोनों विषयों के ऊपर भी इसके लिए सोचा जाए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे वो जहां उनके दर्शकों के बैठने के लिए जो दर्शक दीर्घा सीढ़ियों के नाते बनाई गई हैं, जो वहां के वॉशरूम्स हैं, और जो और भी पीने के पानी का प्रबंध है, और छोटे मोटी जो गेम्स के वहां ऑप्शंस रखे हुए हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनके ऊपर भी जल्दी से संज्ञान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा 1,44,00,000 के टेंडर इसके मेंटेनेंस रेनोवेशन के लिए लग चुके हैं, उसमें जो जो काम होने हैं हो जाएंगे, अगर आपके और भी कोई डिमांड है उसके अंदर वो भी दे दीजिए, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करवा दें।